हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें से टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के सभी सीरीज भी कराए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड हम क्वेश्चन को जानते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन हमारे वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि श्वास नली को क्या कहते हैं? श्वास नली को ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। इसी के रास्ते वायु हमारे फेफड़ों तक जाती है। नेक्स्ट है, फेफड़ों में डिफ्यूजन क्रिया कहां पे होती है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम सांस लेते हैं हमारे लैरिंग्स से होते हुए, फिर ट्रेकिया यानी श्वास नली में जाता है, फिर फेफड़ों में जाता है, फिर जाता है एल्वोलाई में। एल्वोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, अदला बदली होता है, जिसे डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह अशुद्ध रक्त से आ जाता है एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से ऑक्सीजन चला जाता है रक्त कोशिकाओं में। आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है वहां से O2 के लेकर के शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और उन अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आ जाता है, और फेफड़ों से वह बाहर निकल जाता है वाह श्वसन के द्वारा यानी एक्सपायरेशन के द्वारा, ठीक है, ये अपवा होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रोंकाइज किस तंत्र का भाग है? ब्रोंकाइज यानी कि जब हमारा श्वास नली ट्रेकिया फेफड़े में जाता है तो दाएं फेफड़े में 3 भागों में और बाएं फेफड़े में 2 भागों में बढ़ जाता है। वो फिर से छोटी छोटी पतली पतली वाहिकाओं में बढ़ जाती हैं, धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। फिर वही ब्रोंकाई गुच्छेनुमा आकृति बना लेती है, उसी को हम एल्वोलाई कहते हैं। इसी एल्वोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ ब्रोंकाई किस तंत्र का भाग है? तो श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट, हवा में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? जैसे कि दोस्तों, नाइट्रोजन जो होता है हवा में 78% होता है, एंड ऑक्सीजन 21% होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो हम सांस लेते हैं तो ये सभी इतने इतने मात्रा में हमारे सांस लेते समय जाते हैं, बट वापस जो है नाइट्रोजन पूरा का पूरा वापस आ जाता है 78%, एंड जो ऑक्सीजन 21% जाता है बट वापस 16% आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है बट वापस 4.04% आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने सांस लेता है? तो दोस्तों, कितने बार सांस लेता है? 12 से 20 बार, ठीक है, कहीं 16 से 18 भी मिलेगा, कहीं 18 से 20 भी मिलेगा। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितने सांस लेता है? 12 से 20 बार सामान्य व्यक्ति लिया, और खिलाड़ी कितना लेगा? तो दोस्तों, जितना ही आप एक्सरसाइज करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे या जितना अनुभवी हो जाएंगे, हमारे सांसों की जो रफ्तार होती है वो कम होता है। बहुत ज्यादा रफ्तार होना आपकी थकावट का कारण बनता है, तो जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपका श्वास गति वो कम होगी, आराम से सांस लेंगे, आपकी थकावट बहुत कम आएगा। तो कितना होता है? 8 से 10 बार, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी है। तो नेक्स्ट है, अस्थमा डिजीज शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कि एपिग्लोटिस किस तंत्र का भाग है? तो दोस्तों, एपिग्लोटिस जो है वह श्वसन तंत्र का भाग है। किसका है? एपिग्लोटिस पाचन तंत्र का भाग है। क्योंकि दोस्तों, ये करता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और श्वास लेते हैं तो यह एपिग्लोटिस जो होता है वह ग्रास नली या श्वास नली के ऊपर ग्रसनी में ढक्कन के समान होता है। जब हम खाना खाते हैं तो यह श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे वहां पे भोजन न जाने पाए। जब हम सांस लेते हैं तो यह भोजन नली को बंद कर देता है, जिससे उसमें हवा न जाए, इस प्रकार यह काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वास नली यानी कि विंड पाइप के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन नुमा भाग होता है, जो भोजन खाते वक्त भोजन के कणों को श्वास नली में नहीं जाने देता, उस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? किस क्रिया में निकलती है?
श्वसन क्रिया में, ठीक है, श्वसन हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। दोस्तों मनुष्य द्वारा सांस में ली गई वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? हम जब सांस लेते हैं तो कितना परसेंट हम O2 लेते हैं? 21%। वापस कितना आता है? 16%। नेक्स्ट है व्यक्ति द्वारा वाहन श्वसन क्रिया यानी रिस्पायरेशन में निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों जब हम श्वसन करते हैं, जो हम निकालते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4.04%, ठीक है, 4.04%। जब श्वास लेते हैं तो कितना जाता है? 0.03%, जितना वायुमंडल में रहता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है दोस्तों? क्योंकि जो जब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है एल्वोलाई से ऑक्सीजन जाता है रक्त में, रक्त से जो अशुद्ध रक्त होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है तो ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए निकलते समय यानी कि श्वास छोड़ते समय ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है श्वसन द्वारा बाहर निकली वायु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है दोस्तों? तो नाइट्रोजन की होती है। जैसे कि नाइट्रोजन 78% वायुमंडल पाया जाता है, वो जितना जाता है उतना ही वापस आ जाता है बिना कोई उपयोग हुए। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी किस यंत्र से मापी जाती है? तो स्पायरोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? स्पायरोमीटर से। नेक्स्ट है दोस्तों एक बार सांस लेने की प्रक्रिया में कितने सेकेंड में पूरी होती है? तो 5 सेकेंड में। नेक्स्ट है फायरिंग्स किस तंत्र का भाग है? फायरिंग्स किस तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र का। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी का क्या सूत्र है? तो वाइटल कैपेसिटी का सूत्र होता है दोस्तों वाइटल कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर, ठीक है दोस्तों। जैसा कि वाइटल कैपेसिटी होता क्या है? वाइटल कैपेसिटी यानी कि यह अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, यानी कि ये फेफड़े की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन करने करके पूरे बल के साथ जो हवा बाह्य श्वसन द्वारा बाहर निकाली जाती है उसकी मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वहीं पे आपको पूछेगा टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? तो टोटल लंग कैपेसिटी वो है जो हवा की कुल मात्रा जो फेफड़ों में समा सकती है, और टोटल लंग कैपेसिटी का सूत्र हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल एयर वॉल्यूम जो पूरा श्वसन लेने के बाद हमारे फेफड़ों में कुछ मात्रा बच जाती है उसी को रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है लंग कैपेसिटी का सूत्र क्या होता है? तो लंग कैपेसिटी का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है जोर से मुंह से हवा निकालने के बाद जो भी हवा फेफड़ों में बची रह जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक बार पूर्ण रूप से आप सांस ले लिए, अब मुंह से हवा निकाल लिए, उसके बाद जो हमारे फेफड़ों में बची रह जाती वायु है उसको हम कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है, क्या कहते हैं? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी यमल O2 लेता है, ऑक्सीजन लेता है आराम की स्थिति में? तो 250 से 350 ml। नेक्स्ट है शारीरिक अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितनी O2 लेता है? जैसे आराम की स्थिति में 250 से 350 ml O2 लेता है, जब शारीरिक अभ्यास कर रहा उस समय 4500 से 5000 ml O2 ग्रहण करता है। नेक्स्ट है दोस्तों डायफ्राम किस तंत्र का भाग है? तो यह किसका भाग है? श्वसन तंत्र का। दोस्तों इसी डायफ्राम पर हमारा फेफड़ा सधा रहता है। डायफ्राम के नीचे इंटरकॉस्टल मसल्स होती है जिसके फैलने और सिकुड़ने से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। नेक्स्ट है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फेफड़े, ये किस सिस्टम के भाग है? ये सभी किसके हैं? श्वसन तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो दोस्तों जो ट्रैकिया होती है श्वास नली है वो दाएं फेफड़े में 3 भागों में बढ़ जाती है, 3 लोब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो 2 लोब होते हैं फेफड़े में। नेक्स्ट है हवा फेफड़े में हवा भरने की कितनी क्षमता होती है दोस्तों? तो इसमें होती है 4.5 से
5 लीटर, यानी कि 4.5 से 5 लीटर, ठीक है, फेफड़ों में वायु भरने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, तो एल्वोलाइज में होता है। यहां से आपका ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है रक्त कोशिकाओं में, और रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाइज में आ जाता है, जिसे डिफ्यूजन प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लूरा द्रव्य किस अंग के बाहरी आवरणों के मध्य रहता है, तो प्लूरा द्वारा कौन घिरा रहता है दोस्तों, प्लूरा मेम्ब्रेन के द्वारा पूरा द्रव्य उसमें भरा रहता है, किसके बाहरी आवरणों के मध्य रहता है दोस्तों, फेफड़ों के। नेक्स्ट है, एल्वोलाई में व्यक्ति द्वारा सांस में ली गई ऑक्सीजन किस कोशिका में मिलती है, तो एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन होता है किस कोशिका में जाके मिलती है, आरबीसी में, यानी लाल रक्त कोशिका, उसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करके समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ध्वनि यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स का दूसरा क्या नाम है, तो उसका लैरिंग्स कहते हैं, जिसे कंठ भी बोला जाता है, ध्वनि यंत्र। नेक्स्ट है, फेफड़ों के ऊपर चढ़ी हुई दोनों झिल्लियों के नाम क्या हैं, तो दोस्तों फेफड़ों के ऊपर जो चढ़ी हुई झिल्ली होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, उसके अंतर्गत दोनों झिल्लियों का नाम है पार्शियल प्लूरा और वाइसरल प्लूरा, ठीक है, यानी कि ए एंड बी दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, तो दोस्तों ब्रथ रेट को ही हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, यानी कि श्वास दर को। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रेकिया यानी कि श्वास नली किसकी बनी होती है, तो दोस्तों यह कार्टिलेज की बनी होती है, यानी कि उपास्थि की बनी होती है, ठीक है, यह कोमल होती है, लचीलापन होता है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है दोस्तों, तो 4.6 होती है, कितना होता है, 4.6 यानी कि 4.6 लीटर होता है दोस्तों। आराम की स्थिति में, नेक्स्ट है, आराम की स्थिति में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी हो गया तो 5 से 6 लीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अभ्यास के दौरान अंतः श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अंतः श्वसन क्रिया क्या होती है, बढ़ती है अभ्यास के कारण। नेक्स्ट दोस्तों, श्वास छोड़ने के बाद जो हवा फेफड़ों में बचती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रेसिड्यूल कैपेसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेसिड्यूल कैपेसिटी, यानी कि रेसिड्यूल एयर या रेसिड्यूल वॉल्यूम बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की रेसिड्यूल कैपेसिटी कितनी होती है दोस्तों, तो आराम की स्थिति में हम कितना वायु बाहर छोड़ने के बाद कितना बचता है, रेसिड्यूल कैपेसिटी कितना होता है, 500 ml, कितना होता है, 500 ml। नेक्स्ट दोस्तों, अभ्यास के दौरान एक सामान्य व्यक्ति की रेसिड्यूल कैपेसिटी कितनी तो होती अभ्यास है, के दौरान एक सामान्य व्यक्ति की रेसिड्यूल कैपेसिटी जो होती है 1.2 लीटर, यानी कि 1200 ml होता है। तो दोस्तों आपने क्या समझा कि आराम की स्थिति में जो अवशिष्ट वायु होती है, जो हमारे शरीर में पूरे श्वसन के बाद जो वायु बचा रहता है उसी को रेसिड्यूल या अवशिष्ट वायु कहते हैं, तो कितना होता है आराम की स्थिति में, 500 ml एक सामान्य व्यक्ति में, और अभ्यास के दौरान एक सामान्य व्यक्ति में 1200 ml। नेक्स्ट दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर कितनी होती है, एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर जो होती है वह 18 से 20 बार या 16 से 20 बार ऐसे भी देता है, तो 18 से 20 बार, यानी कि 20 आपका निश्चित रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की श्वास दर कितनी होती है, तो प्रशिक्षित हो जाएगा तो उसका श्वास दर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 6 से 10 बार प्रति मिनट, और कहीं कहीं 8 से 10 बार दिया रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आराम की स्थिति में डायफ्राम और सीना लगभग कितना फूलता है, तो आराम की स्थिति में डायफ्राम यानी सीना जो होता है वह 5 से 11 सेंटीमीटर फूलता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, एंड दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे बेहतरीन तैयारी के लिए, जैसा कि मेरे चैनल पे सभी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों बेहतरीन तैयारी के लिए बने रहिए चैनल पे, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।